हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बेरोके के प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले मुंबई इंडियंस यानी आईपीएल 2024 का स्क्वाड कंपोजिशन करेंगे। तो आगे बात करते हैं टीम स्पेशलाइजेशन देखते हैं, जहां पे आईपीएल के इतिहास में सबसे सफल टीमों में से एक टीम मुंबई इंडियंस की टीम है, जो आईपीएल टूर्नामेंट की 5 बार खिताब भी जीत चुकी है। जहां पे रोहित शर्मा की कप्तानी एक बार फिर से मुंबई इंडियंस की टीम आईपीएल 2024 खिताब जीतने के लिए एक बार फिर से टूर्नामेंट में उतरने वाली है। अगर बीते कुछ समय की बात करें तो यह टीम काफी विवाद में भी चल रही थी, जब मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइजी ने मुंबई इंडियंस के कप्तान को कप्तानी हटाकर भारतीय क्रिकेटर यानी हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाने के लिए उन्हें गुजरात टाइटंस की टीम में काफी महंगे कीमत पर अपनी टीम पर उन्हें ट्रेड किया गया था। पर खबरों के अनुसार माने तो हार्दिक पांड्या इस साल मुंबई इंडियंस की टीम कप्तानी करते हुए नहीं नजर आएंगे। तो जानते हैं इस वीडियो में कैसी है मुंबई इंडियंस 2024 की आईपीएल टीम। आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि विकेट कीपर्स हैं। तो दोस्तों आपको मुंबई इंडियंस की इस बार आईपीएल 2024 में एक विकेट कीपर्स बल्लेबाज के साथ आपको इस टूर्नामेंट में नजर आने वाले हैं। तो उस प्लेयर की बात करें जो कि ईशान किशन है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें जो कि बैट्समैन है। तो दोस्तों आपको मुंबई इंडियंस में काफ़ी सारे बैटिंग के ऑप्शन भी देखने को मिल सकते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है। रोहित शर्मा है, डिवाल ब्रेविस है, सूर्य कुमार यादव है, तिलक वर्मा है, टिम डेविड है और विष्णु विनोद है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि ऑलराउंडर है। दोस्तों आपको मुंबई की टीम में आपको काफ़ी सारे ऑलराउंडर भी देखने को मिल सकते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है। मोहम्मद शमी है, सैम्स मुलानी है, निहाल बडेरा, हार्दिक पांड्या, अंशु कंबोज है, रोमारियो शेफर्ड है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि स्पिनर्स है। दोस्तों आपको मुंबई इंडियंस में आपको स्पिनर्स की कमी भी देखने को नहीं मिलेगी, जो कि कुछ इस प्रकार है। कुमार कार्तिक सिंह है, पीयूष चावला है, नमर धीर है, शेष गोपाल है, शिवलिंग शर्मा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि फास्ट बॉलर है। दोस्तों आपको मुंबई इंडियंस की टीम में आपको काफ़ी सारे फास्ट बॉलर भी देखने को मिल सकते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है। अर्जुन तेंदुलकर है, जसप्रीत बुमराह है, कुमार कार्तिक सिंह है, आकाश मधवल है, जेसन बेंड्रेफ है, दिलशन मधुशंका, नुआन तुसरा और जयाल कोटजी है। बात करते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 देखते हैं। पहली प्लेयर की बात करें जो कि हार्दिक पांड्या है। हार्दिक पांड्या एक भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी है, एक ऑलराउंडर जो अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी कौशल में मशहूर है। उन्होंने अपने उच्च स्तर के क्रिकेट प्रदर्शन के लिए विशेष रूप से मुश्किल स्थिति में बल्लेबाजी के लिए पहचान बनाई है, जहां पर हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस के साथ अभियांत्रिक तौर पर चमकाई और उन्हें अपनी टीम का द्वितीय खेला कला और आत्मविश्वास के साथ संजीवनी दी है। नेक्स्ट प्लेयर की बात करें जो कि रोहित शर्मा है। रोहित शर्मा के व्यक्तिगत टीम के कप्तान के रूप में उनके नेतृत्व के लिए पहचान मिली है। उन्होंने मुंबई इंडियंस को विभिन्न आईपीएल में सीजन में विजयी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रोहित शर्मा ने अपनी करियर की शुरुआत अपने दिखाई दी अपने उन्होंने टीम के लिए कई अद्वितीय प्रदर्शन भी किए, जिसमें काफ़ी अच्छा रन और स्कोर भी किए। रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस की अपने अद्वितीय नेतृत्व पर बार बार आईपीएल टाइटल जीतने के में मदद की है। उन्हें खुद भी इस टूर्नामेंट में विशेष स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट प्लेयर की बात करें जो कि ईशान किशन है। तो ईशान किशन मुंबई इंडियंस के लिए एक बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम को कई सारे महत्वपूर्ण जीतों में मदद की है। उनकी अच्छी बैटिंग, बारीक विकेट कीपिंग के कौशल के रूप में उन्हें विकेट प्रेमियों के लिए एक लोकप्रिय खिलाड़ी के लिए बना दिया। ईशान किशन अपनी क्रिकेट करियर की शुरुआत अपनी धाकड़ प्रदर्शन और अपनी ताकतवर बल्लेबाजी के लिए पहचान बनाई। उन्होंने युवा क्रिकेट के रूप में अपने क्षेत्र में कई पुरस्कार भी जीते और भविष्य में भारतीय क्रिकेट टीम के लिए एक उदाहरण स्थापित करने में दृढ़ संकल्प भी रखा। नेक्स्ट प्लेयर की बात करें जो कि सूर्य कुमार यादव है। सूर्य कुमार यादव ने आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीमों के लिए कई सारे महत्वपूर्ण जीतों में मदद की है। उनकी स्वाभाविक बल्लेबाजी और सुचित फील्डिंग ने उन्हें क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक बीच प्रिय खिलाड़ी बना दिया। सूर्य कुमार यादव अच्छे बल्लेबाजी के लिए एक प्रमुख माने जाते हैं। उन्होंने बार बार आईपीएल में मैचों में उच्च स्कोर बनाकर अपनी क्षमताओं का साबित भी किया। उनकी तेजगति, अच्छा टेक्निक बल्लेबाजी और बड़े मैदान पर जबरदस्त परफॉर्मेंस करते हैं उन्हें भारतीय क्रिकेट में एक महत्वपूर्ण बल्लेबाज के रूप में स्थापित किया है। नेक्स्ट प्लेयर की बात करें जो कि तिलक वर्मा है। तिलक वर्मा एक तेज गति बल्लेबाज है, जो उच्च स्कोर बनाने की क्षमता के साथ साथ जाने जाते हैं। एक युवा होने के बावजूद उन्हें अपनी क्रिकेट करियर की शुरुआत धूमधाम से की और एक उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। जहां पे तिलक वर्मा का नाम इसलिए चर्चा में है क्योंकि उन्होंने अपने विभिन्न अच्छे परफॉर्मेंस भी किए हैं, जहाँ पे मैच में वो मैच को पलट भी देते हैं। विशेषकर उनके बल्लेबाजी है, उन्होंने अपने खेल के बदलते रूप के साथ मुंबई इंडियंस के कई महत्वपूर्ण मैचों में अच्छा परफॉर्मेंस किया है। नेक्स्ट प्लेयर जो कि टिम डेविड है। टिम डेविड का नाम आईपीएल में तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि उन्होंने अपने क्रिकेट करियर के प्रारंभिक स्टेज में कुछ चमत्कारी प्रदर्शन भी किए। उनकी बल्लेबाजी शैली, मिठास और गेंदबाजी उनकी नौकरी में उन्हें एक विशेष खिलाड़ी बना दिया। टिम डेविड आईपीएल मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए उच्च स्कोर और महत्वपूर्ण गेंदों के साथ अपनी टीम के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनकी खेल कला को देखकर उन्हें कई क्रिकेट प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित किया है। उन्हें भविष्य में अपने नाम को और बुलंदियों तक पहुंचाने में हृदय इरादा किया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्लेयर जो कि रोमारियो शेफर्ड है। रोमारियो शेफर्ड एक वेस्ट इंडीज क्रिकेटर है, जो मुंबई इंडियंस टीम के लिए भारतीय प्रीमियर लीग यानी आईपीएल खेलते हैं।
वह एक द्वितीय फास्ट बॉलर और हार्ड हिटिंग बल्लेबाज जिसने अपनी क्रिकेट क्षमताओं के लिए पहचान बनाई। रोमारियो सेफ ने अपने तेज गति योग्यता के लिए प्रशंसा प्राप्त की है। उन्होंने IPL में मुंबई इंडियंस के लिए खेलते उच्च स्कोर महत्वपूर्ण गेंदों में साथ अपनी टीम के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। उनकी गेंदबाजी, उनकी तेज गति, उनके उच्च स्तरीय स्किल्स ने उन्हें एक अद्वितीय गेंदबाज भी बना दिया है। नेक्स्ट प्लेयर की बात करें जो कि मोहम्मद नबी है। मोहम्मद नबी एक अफगानिस्तान क्रिकेटर जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने योगदान के लिए पहचान बना चुके हैं। वह एक ऑलराउंडर है जिन्होंने बल्लेबाजी गेंदबाजी दोनों अपनी क्षमताओं का साबित किया। मोहम्मद नबी ने अपने करियर की शुरुआत ही अफगानिस्तान क्रिकेट के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने बॉलिंग बैटिंग अपने योगदान टीम के लिए सहारा दिया। उनकी गेंदबाजी छलांग उच्च स्तर गेंदबाजी और शैली बल्लेबाजी स्थायीता उन्हें एक प्रमुख क्रिकेट खिलाड़ी बना दिया। बात करते हैं नेक्स्ट प्लेयर जो कि जसप्रीत बुमराह है। जसप्रीत बुमराह भारतीय क्रिकेट टीम के एक मजबूत गेंदबाज जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने उच्च स्तर गेंदबाजी के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने अपने अनूठे गेंदबाजी के कारण क्रिकेट प्रेमियों विशेषज्ञों के बीच बड़ी पहचान बना ली। जसप्रीत बुमराह ने भारतीय प्रीमियर लीग यानी मुंबई इंडियंस के लिए साथ अच्छे परफॉर्मेंस भी किए हैं और अच्छे उन्होंने टीम के लिए अपनी गेंदबाजी से बड़े मैचों में जीत भी हासिल की है। उन्होंने कई बार दक्षिण अफ्रीका गेंदबाजी तरीके से अपने प्रशंसा भी प्राप्त किया। बैकअप रूप से क्रिकेट जगत में मशहूर है। नेक्स्ट प्लेयर की बात करें जो कि पीयूष चावला है। पीयूष चावला एक भारतीय क्रिकेटर जो इंडियन प्रीमियर लीग में अपनी गेंदबाजी के लिए मशहूर है। वह एक लेग ब्रेक गेंदबाज जो उन्होंने अपने करियर में कई महत्वपूर्ण सारे विकेट भी लिए हैं। पीयूष चावला ने अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत अपने बड़े मैदानों पर अच्छे परफॉर्मेंस से किए। उन्होंने मुंबई इंडियंस, किंग्स इलेवन पंजाब, राजस्थान रॉयल्स, चेन्नई सुपर किंग्स, गुजरात लायंस जैसी टीमों के लिए खेला है। पीयूष चावला की गेंदबाजी में चालाकी, ज्ञान, स्वभावशाली शामिल है। उन्होंने टीम को अपनी सामरिक समर्थ विकेट लेने की क्षमता योगदान में दिया। IPL में उन्हें एक प्रमुख गेंदबाज के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट प्लेयर की बात करें जो कि जेसन बैंड्रफ है। जेसन बैंड्रफ एक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर है। उन्होंने अपने तेज गेंदबाजी के लिए अपनी पहचान बनाई है। उन्हें विभिन्न IPL टीमों के लिए खेला है। जेसन बैंड्रफ एक उच्च स्तरीय फास्ट गेंदबाज है जो अपनी स्वयंशीलता और विशेषता के लिए मशहूर है। उन्होंने अच्छे परफॉर्मेंस किए हर एक मैच में। उन्होंने मैचों में अपनी गेंदबाजी टीमों को सहारा दिया है। जेसन बैंड्रफ विभिन्न T20 लीगों में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी गेंदबाजी में चर्चा में रहे। उन्हें T20 क्रिकेट के माध्यम से एक प्रमुख गेंदबाज के रूप में देखा जा सकता है। दोस्तों हमने हर एक चीज पर डिस्कशन कर लिया। आगे बढ़ते हैं, क्या इस बार मुंबई इंडियंस क्या 2024 का IPL टाइटल जीतती है नहीं जीतती है? बहुत इंटरेस्टिंग होगा, तो आप लोग जरूर देखें। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट।